हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में पंजाब पुलिस की टेस्ट के लिए मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द वर्ड खातमुन नबीयीन इज फाउंड इन द सूरा ऑफ। सो वर्ड खातमुन नबीयीन जो है ये सूरा एहज़ाब में, कुरान मजीद की सूरा एहज़ाब में इसका जिक्र आया है। और सूरा एहज़ाब की बात करें तो सूरा एहज़ाब में 40 आयात हैं। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट आइलैंड, सबसे बड़ा जो जज़ीरा है वो अस्तोला आइलैंड है। अस्तोला आइलैंड जो है ये बलूचिस्तान पसनी में लोकेटेड है। सो अस्तोला इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मैनी मसारिफ ऑफ ज़कात, ज़कात के 8 मसारिफ हैं, यानी कि 8 किस्म के लोगों को ज़कात दी जाती है। ये आप इनके नाम भी यहाँ देख सकते हैं कि किन किन को ज़कात दे सकती है। सो 8 इसका करेक्ट आंसर है। हु वॉज़ द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असम्बली ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असम्बली के जो प्रेजिडेंट थे वो कायद आज़म थे। कायद आज़म इसका करेक्ट आंसर है। एट एज ऑफ डैश द होली प्रॉफिट रिसीव्ड हिज फर्स्ट वही, सो 40 बरस की एज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी गारे हिरा में, जिसमें 5 आयात थे। सो 40 इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान ने गवादर किस कंट्री से ख़रीदा था, सो पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने 1958 में गवादर को ओमान से ख़रीदा था। सो ओमान इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। हु इज़ द करंट आईजी ऑफ नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस, एनएचएमपी के मौजूदा आईजी कौन हैं, ये आप ज़रूर बताइएगा। और पंजाब पुलिस के जो करंट आईजी हैं वो आमिर जुल्फ़कार हैं, जो कि 22 दिसंबर को बने हैं। कश्मीर सोल्ड टू गुलाब सिंह इन द ईयर, कश्मीर को कब बेचा गया था, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1846, 7.5 मिलियन में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। रचना दोआब इज़ बिटवीन, सो रचवा दोआब इज़ बिटवीन रावी एंड चिनाब। ICT स्टैंड फॉर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इसका करेक्ट आंसर है। और इस्लामाबाद पाकिस्तान का 1967 को बना था, ऑफिशियल कैपिटल बना था, थर्ड कैपिटल है ये पाकिस्तान का। हु इज़ द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। और फॉरेन मिनिस्टर फॉर स्टेट जो हैं वो हिना रबानी खर हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कब सिंध को फतेह किया था, सो 712 इसका करेक्ट आंसर है। विच एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960, सो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और ये 19 सितंबर 1960 को हुआ था पानी के मामले पर। वारसक डैम कहाँ लोकेटेड है, वारसक डैम केपी के खैबर पख्तूनख्वा में लोकेटेड है। हु वॉज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सो लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्हें 16 अक्टूबर 1951 को शहीद किया गया था रावलपिंडी में। और जो करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शहबाज शरीफ हैं, जो कि 11/4/2022 को बने हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। हाउ मैनी टाइम्स कमांड ऑफ द रेक्शन ऑफ नमाज इज़ गिवन इन द कुरान, कुरान मजीद में नमाज के अदा करने का हुक्म 700 मरतबा आया है, और 700 मरतबा इसका करेक्ट आंसर है। फाटा वाज मर्ज्ड विद KPK अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 25th है, 25वीं आइन में जो तरमीम की गई थी उसके बाद फाटा को मर्ज किया गया था KPK में मई 2018 में। फाटा की अगर हम बात करें तो फाटा स्टैंड्स फॉर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। UPS इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ, सो UPS का जो फुल फॉर्म है वो है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शिप इज़ बाउंड डैश पाकिस्तान, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फॉर है। द शिप इज़ बाउंड फॉर पाकिस्तान, बाउंड फॉर एक idiom है और इसका मतलब होता है मंजिल की जानिब रवा दवा होना। सो शिप जो है पाकिस्तान की जानिब रवा दवा है, सो बाउंड फॉर। आमिना इज़ अफ्रेड डैश स्पाइडर, सो अफ्रेड के बाद प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है, और आमिना इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स का मतलब है आमिना जो है अफ्रेड है, खौफ ज़दा है, सो अफ्रेड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है। सैयद अहमद शहीद अलॉन्ग विद सैयद इस्माइल वर मार्टर्ड इन बैटल विद 6-8, सो ये कहाँ हुए था, ये जंग हुई थी बालाकोट में, और ये शहीद हो गए थे सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल, और ये जंग 1831 में बालाकोट के मकाम पर लड़ी गई थी। सना मेरीन इज़ सना मेरीन ऑफ
फिनलैंड इज़ फेमस फॉर। सो ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी 34 बरस की एज में, और ये 2019 में बनी थी, दिसंबर 2019 में ये इनकी पिक्चर है। और ये जब बनी थी तो इस वक्त ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी फिनलैंड की। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वेमेन इन द नेशनल असम्बली आर, सो वेमेन के लिए, ख़वातीन के लिए नेशनल असम्बली में 60 नशस्तें हैं। सो 60 इसका करेक्ट आंसर है। और मज़हबी जो अकलियत हैं, रिलीजियस मिनॉरिटीज़, उनके लिए 10 नशस्तें हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पंजाब प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस का टोटल एरिया कितना है, जी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हु एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन मैन, मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया था, बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह ने, और औरतों में सबसे पहले हज़रत बीबी खदीजा ने। द करंट इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इंटीरियर मिनिस्टर राना सनावला है, वज़ीर दाखला जिसे हम कहते हैं, और इन्होंने शेख रशीद को रिप्लेस किया था, और ये करंट जो है इंटीरियर मिनिस्टर हैं अप्रैल 2022 से। इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, सो इंडस रिवर जो है ये ओरिजिनेट करता है तिब्बत से, तिब्बत से निकलता है ये, सो तिब्बत इसका करेक्ट आंसर है। सैयद अहमद शहीद वार मार्टर इन, ये 1831 में बालाकोट के मकाम पर शहीद हुए थे, सैयद अहमद शहीद। सिक्स बुक्स ऑफ हदीस आर नोन एंड, छः जो हदीस की किताबें हैं इन्हें सहे सीता कहा जाता है, इसमें सही बुखारी, सही मुस्लिम ये सब शामिल हैं, आप इनको देख सकते हैं। सुलह हुदैबिया किन किन के दरमियान हुआ था, सो ये मुस्लिम्स और क्रेश के दरमियान हुआ था। इसको लिखने वाले हज़रत अली थे, और ये जो है एक दरख्त के नाम से मंसूब है, और ये 10 साल के लिए हुआ था, 6 हिजरी को ये हुआ था, सुलह हुदैबिया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया भी जिसे कहा जाता है। उर्दू का पहला नावल नगार कौन था, सो उर्दू का पहला नावल नगार डिप्टी नज़ीर अहमद थे। SHO स्टैंड फॉर स्टेशन हाउस ऑफिसर, जी तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यहाँ आपको पंजाब पुलिस के पास पेपर्स मिल जाएंगे, इस तरह आप अपना टेस्ट भी यहाँ ले सकते हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर्स में, इसी वेबसाइट से पूछे जा रहे हैं, सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, आपकी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कांस्टेबल, ASI, PHP, वायरलेस ऑपरेटर, लेडी कांस्टेबल, और इसके साथ साथ जूनियर क्लर्क के तमाम पास पेपर्स मिल जाएंगे आपको, और यहाँ आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, 2018 के पेपर्स, 2016 के, 2020 के, 2022 के, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।